आज के दौर में टोयोटा और होंडा से सस्ती गाड़ी और बड़ी गाड़ी कौन सी हो सकती है, आप तमाम लोग सर्च तो जरूर कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा होंडा से सस्ती गाड़ी 2400 सीसी डीजल इंजन के साथ, वो भी पजारो ऊपर से टर्बो इंटरकूलर। रेट सुनेंगे यकीनन आपका मूड तो जरूर बन जाएगा, क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट इस रेट में मिलना तो नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब, खैर खरीत से हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस समीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। हर नई से नई चीज मैं आप लोगों की खिदमत में लेकर आता रहता हूं और मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सो भाई की हौसला अफजाई जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आज मैं आपके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं ये मेरी बैग पे, ये पेजारो जबरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है, टर्बो इंटरकूलर के अंदर ही आ रहा है। और आजकल के दौर में जनाब, अगर आप लोग मार्केट में निकले टोयोटा होंडा सुजुकी लेने, आल्टो से भी सस्ती गाड़ी है भाई साहब, ठीक है। अगर आप वो गाड़ियां लेने निकले हैं तो आपको एक हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है। यकीनन जब आप इस टर्बो इंटरकूलर 2400 सीसी डीजल इंजन का रेट जानेंगे ना, जिसका आपको टायर भी 15 इंच का मिल रहा पहाड़ी इलाकों में जहां पर मर्जी इसको चलाएं, तो यकीनन आपके एक दफा होश उड़ जाएंगे, मुंह में पानी आएगा और लेने का जरूर दिल करेगा कि भाई साहब ये प्रोडक्ट तो पास होना चाहिए जेन्युइन अलॉय व्हील के साथ। सो व्यूअर्स, देर किस बात की है, करते हैं फिर टोयोटा पजारो का रिव्यू स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा सुभान मोटर्स गुजरांवाला पर, जो कि वाकया है पिंडी बाईपास अपोजिट बंडियाला मोड़ के मुकाम के ऊपर। और जो इसका रेट है, अब डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कितने का आपको फाइनल सुभान मोटर्स गुजरांवाला से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट। व्यूवर्स, व्यूज जो है प्रॉपरली तौर पर स्टार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट का। सो व्यूवर्स, थोड़ी सी आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, पजारो है ये, ठीक है, मित्सुबिशी जैपनीज प्रोडक्ट है ये। और ऊपर से ये आपको सादा नहीं मिल रहा, ये जनाब आ रहा है, ये देखिए आपको चेक करवा देता हूँ इंटरकूलर टर्बो में। मैं जानता हूँ कि सब भाइयों को इसके रेट जानने के इस टाइम बहुत ज़्यादा उतावली से अंदर से एक बेचैनी सी हो रही होगी कि यार इसका क्या रेट है। सो टेंशन ना ले, मैं आपको बता देता हूँ। व्यूवर, ये 1992 मॉडल है, ठीक है, और जनाब ये 2400 सीसी डीजल इंजन के साथ आ रहा है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 20 लाख रुपए में सुभान मोटर्स गुजरांवाला के मुकाम पर, जो कि वाकया है पिंडी बाईपास अपोजिट मंडियाला मोड़ पर। सो व्यूज, इसका थोड़ा सा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, पहले नंबर पर तो जो इसकी लुक है वो जालम है, ठीक है, दहशत वाली लुक है इसकी, पुराने लोगों की, ज़मींदार लोगों की और अभी जो जट बरादरी है, ठीक है, वो इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का, जिसने रखा हुआ था पूरे शौक के साथ इस जैपनीज़ प्रोडक्ट को उन्होंने रखा हुआ था अपने साथ ना। और साथ में ये देखे जनाब, ये प्राडो वाला मिरर भी आपको इस पजारो में मिल रहा है, ये चेक कर सकते हैं, बड़ी अलग सी दख अपनी दख है इसकी ना, इस मिरर की। और जनाब इसकी टायर्स की बात करें तो डनलॉप का इसके अंदर टायर है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो अलॉय व्हील है ना, ये 15 इंच का अलॉय व्हील इसके अंदर आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अलॉय व्हील है, ठीक है। ये आपको डबल शेड्स कलर के अंदर, कम्बिनेशन के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसकी अपनी लुक से ये आपको दिखा दूँ, एक ये कलर और ये कलर डबल कम्बिनेशन के अंदर ये प्रोडक्ट है। और जो मिरर है इसके, वो क्रोमिंग के अंदर आपको मिरर मिल रहे हैं। ऊपर आपको प्रोडक्ट के ऊपर आपको रूफ रेल्स भी इसके साथ मिल रही हैं, अच्छा कम्बिनेशन दिया गया है, मिरर जो है इसके ओपन हो जाते हैं, ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जनाब पजारो के अंदर आ रहा है और ये सुभान मोटर्स पर अवेलेबल है, रिपीट कर रहा हूँ, 1992 मॉडल है, ठीक है, 2400 सीसी डीजल इंजन है और इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए की जा रही है सुभान मोटर से। एक ये देखें जनाब, असल जो दख है ना पजारो की, वो ये टायर निकालता है, ठीक है। टायर इसका बैक साइड पर हो तो जनाब पता लगता है कि भाई कोई दहशत वाली गाड़ी जा रही है, कोई भी गाड़ी हो, ये बैक साइड से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सफाई होने वाली है, धुलने वाली है गाड़ी, बाकी बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये बिल प्लास्टिक है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये बैक साइड पर आपको इसकी अच्छी स्पेस मिल जाती है, बैक साइड से जो इसका कैबिन है वो ओपन हो जाता है, अंदर से आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सेसरीज में आपको जैकेट का साथ मिल जाएगा, ठीक है, और ये एक स्पेस है, यहाँ पर आप सेपरेट सीट्स भी लगवाना चाहें तो सेपरेट सीट्स भी लग जाएंगी। और बैक साइड पर भी जैसे प्राडो के अंदर होता है, एसी डक्ट भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं, अगर आप पीछे यहाँ पर सीट्स वगैरह भी आप लगवा लेते हैं। और फ्रंट सीट्स इसकी फोल्डिंग सीट्स हैं, आप इसको फोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं तो
ड्राइविंग साइड की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ऑटो के अंदर, ऑटो गियर्स है पजारो, ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोडक्ट है। लें व्यूवर्स, डोर ओपन कर लिया है, ठीक है, तो आगे भी आपको सारा बता देता हूँ। सीट्स इसकी एडजस्टेबल है, बड़ी कंफर्टेबल है, ये चेक करें, जब आप इसके ऊपर बैठेंगे ना तो आपको एक लग्जरी सी फीलिंग आएंगी जो आजकल की भी गाड़ियाँ आपको नहीं दे सकेंगी। पुराने मॉडल हैं, इनकी एक ज़बरदस्त किस्म की लुक है, ये चेक करें। सीट्स इसकी सारी जो है ऑटो एडजस्टेबल है, यहाँ से आप नीचे से भी आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें भाई साहब, तो गियर रेशो की अगर हम इसकी बात करें तो ये आप चेक कर सकते हैं जनाब, एक और दो, दो गियर्स आप ये चेक करें, ऑटो के अंदर है, ठीक है। और गियर जनाब इसका बड़ा ज़बरदस्त बैम्बू टाइप का गियर दे दिया इसके अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो ज़बरदस्त किस्म का इसका आपको फ्रंट इंटीरियर जो है वो मिल रहा है। कंपास वगैरह भी इसके अंदर दे दी गई है, एसी इसका ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। और उस दौर की गाड़ियों में मीटर की रेट रेंज आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने मीटर दे दिया है। SRS एयर बैग्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड LED पैनल भी इसके अंदर लगा हुआ है। और कंसोल स्पेस की बात करें तो ग्लव स्पेस वो भी अच्छी है। सीट्स इसकी ज़बरदस्त है, खुली डुल्ली गाड़ी है, ठीक है। ऊपर की जानिब आपको फ्लिप्स मिल जाती हैं, लेफ्ट फ्लिप्स में आपको जनाब मिरर भी मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से लाइट मेरे ख्याल से गायब हो गई है, ऊपर वाली और ये वाली लाइट। बाकी जनाब इसकी डिमांड के लिहाज से ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। थोड़ी सी जनाब हम अगर चेक करें इसके इंजन की कंडीशन, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। गाड़ी का कम्प्लीटली ऑपरेशन करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको देखनी पड़े, हर चीज़ में आपको जनाब प्रॉपरली तौर पर जो चेकअप करवा देता हूँ, कोई चीज़ इंशाल्लाह ताला छोड़ेंगे नहीं इसमें। सो व्यूअर्स, बोनट मैंने ओपन कर लिया है, इंजन आप इसका देख सकते हैं कितना हैवी इंजन है, हैवी बरकम इंजन है इसका, पता लग रहा है कि भाई किसी मॉडल का इंजन है, पैसा वसूल कार है। और जेन्युइन मित्सुबिशी का इंजन है, सील वगैरह इंजन की बिल्कुल ओके है, आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त इंजन है, ठीक है। बस इसकी थोड़ा सा इसने वाश होना है, वाश होकर बिल्कुल ओके है, मैंने वाश से पहले इसका रिव्यू वगैरह स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ देखें, ये आपको यहाँ पर प्लेट मिल जाती है, यहाँ से आप अपना इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी जो है वो आप टैली वगैरह जो है वो प्रॉपरली तौर पर कर सकते हैं, ठीक है जी। ले व्यूअर्स, प्रोडक्ट का कम्प्लीटली रिव्यू आपको चेक करवा दिया, बैक से थोड़ी सी स्पेस आपको दिखाने वाली रह गई है। आप ये ना कहेंगे भाई साहब ने हमें बैक की स्पेस तो दिखाई नहीं, पीछे के मुतालिक बताया ही नहीं, कमेंट्स करेंगे भाई पीछे से भी दिखा दें, तो ये आप देख सकते हैं सीट्स इसकी फोल्डिंग है, ठीक है। और बड़ी कम्फर्टेबल, सोफे से ज़्यादा मज़ा, ठीक है। चौड़ाई आप सीट्स की देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चौड़ाई रख दी गई है, और यहाँ पर भी एक AC डक्ट थोड़ी सी दे दी गई है, ठीक है, ताकि आपका टेम्परेचर वगैरह कूलेंट सिस्टम रहे। और जो बैक मिरर है ना, जो पिछली सीट्स के हैं, वो आप इसको यहां से ओपन भी कर सकते हैं। ले व्यूअर्स, मित्सुबिशी इंटरकूलर टर्बो का रिव्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक चीज तो आपको बतानी रह गई, आपको बैक कैमरा भी आपको प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर जो है वो मिल जाएगा, और बैक डोर को आप चाबी से लॉक अनलॉक भी आप कर सकते हैं। और नीचे वाला जो ये पायदान दे दिया गया है, ये सिल्वर क्रोमिंग के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दे दिया गया है। और रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये देखें टैग लगे हुए हैं हमारे सुभान मोटर्स गुजरांवाला से, जो कि वाकया है पिंडी बाईपास अपोजिट मंडियाला मोड़ के मुकाम पर। और ये डीलरशिप आप चेक कर सकते हैं, ये प्रोटॉन गुजरांवाला मोटर जो है वो साथ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, इस ज़बरदस्त किस्म पजारो की जो डिमांड है वो की जा रही है भाईजान 20 लाख रुपया, ठीक है। ये 1992 मॉडल है, एक्सीड मॉडल नहीं है, ये एक्सीड से पहले वाला मॉडल है। और रजिस्टर्ड को आपसे डिस्कस ही नहीं की, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है 3 डिजिट के अंदर, 3 डिजिट्स के अंदर ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। और रिपीट कर रहा हूँ, ये जनाब ये ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट 1992 मॉडल है, ठीक है। 2400 cc डीजल इंजन है, और इसकी जो एवरेज है वो इस टाइम जो नोट की जा रही है पजारो टर्बो इंटरकूलर की, पहाड़ी इलाकों में इसको जहाँ पर मर्जी ले जाओ, लॉन्ग रूट पर ले जाओ, पावरफुल गाड़ी है, इंटरकूलर के साथ टर्बो भी है, बेहतरीन कम्बिनेशन है इसका। एवरेज इसकी कोट की जा रही है वो 7 से 8 किलोमीटर की 1 लीटर में एवरेज कोट की जा रही है। और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 20 लाख रुपये का सुभान मोटर्स गुजरांवाला पर, जो कि वाकया है पिंडी बाईपास अपोजिट मंडियाला मोड़ के मुकाम पर। व्यूअर्स, व्यू मेरा अच्छा लगा हो, रेट अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वो भाई जिनको पसंद नहीं आई वो भी काइंडली हौसला अफजाई ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई मोहम्मद अवैस मीत को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।